सवाल नंबर एक, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी निकोटीन, डी फास्फोरस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी निकोटीन। सवाल नंबर दो, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 सितंबर को, बी 10 सितंबर को, सी 20 सितंबर को, डी 25 सितंबर को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 5 सितंबर को। सवाल नंबर तीन, अकबर भारत कब आया था? आपका ऑप्शन है ए 1545 ईस्वी में, बी 1547 ईस्वी में, सी 1555 ईस्वी में, डी 1560 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1555 ईस्वी में। सवाल नंबर चार, शाहजहां के पिता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जहांगीर। सवाल नंबर पांच, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी शेर, सी घोड़ा, डी मगरमच्छ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मगरमच्छ। सवाल नंबर छह, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1870 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1880 ईस्वी में, डी 1895 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1872 ईस्वी में। सवाल नंबर सात, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? आपका ऑप्शन है ए बिहार राज्य में, बी मध्य प्रदेश राज्य में, सी उत्तर प्रदेश राज्य में, डी राजस्थान राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी राजस्थान राज्य में। सवाल नंबर आठ, भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अमित शाह, बी अब्दुल कलाम, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर नौ, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, डी बेंगलुरु में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मुंबई में। सवाल नंबर दस, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? आपका ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी में, बी 1947 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1947 ईस्वी में। सवाल नंबर 11, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए नवंबर 1954 ईस्वी में, बी नवंबर 1956 ईस्वी में, सी नवंबर 1964 ईस्वी में, डी नवंबर 1970 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नवंबर 1956 ईस्वी में। सवाल नंबर 12, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है
ए 1905 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में, डी 1915 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में। सवाल नंबर 13, जल और मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए नदियों द्वारा, बी ज्वालामुखी द्वारा, सी पवन द्वारा, डी हिमानी द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नदियों द्वारा। सवाल नंबर 14, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए गुना में, बी नीमच में, सी होशंगाबाद में, डी देवास में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी देवास में। सवाल नंबर 15, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 28 राज्य, बी 29 राज्य, सी 30 राज्य, डी 32 राज्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 28 राज्य। सवाल नंबर 16, वह कौन सा जानवर है जो तीसवीं तक उड़ता है? आपका ऑप्शन है ए भालू, बी कंगारू, सी ऊंट, डी हिरन। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 17, नूर जहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? आपका ऑप्शन है ए अकबर की, बी शाहजहां की, सी जहांगीर की, डी औरंगजेब की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जहांगीर की। सवाल नंबर 18, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शनि ग्रह को, बी पृथ्वी ग्रह को, सी शुक्र ग्रह को, डी मंगलवार ग्रह को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पृथ्वी ग्रह को। सवाल नंबर 19, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 3 हड्डियां, बी 5 हड्डियां, सी 7 हड्डियां, डी 9 हड्डियां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 3 हड्डियां। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कानों में 6 हड्डियां होती है। सवाल नंबर 20, चांद पर अब तक कितने इंसान जा चुके हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 12 इंसान।